हेलो गाइस, मैं मोसीपुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगान द्वारा। इस वीडियो बताऊंगा शट डाउन जॉब के बारे में। बहुत सारे भाई ने शट डाउन जॉब के बारे में बताने के लिए बोला है। एक्चुअली शट डाउन जॉब क्या होता है और शट डाउन जॉब में जाना सही होगा, शट डाउन जॉब में कौन सा आदमी को जाना चाहिए और शट डाउन जॉब में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, पूरा डिटेल से इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा शट डाउन जॉब के बारे में। अगर शट डाउन जॉब में कतर में जाना चाहते हैं तो कतर में जाएंगे तो आपको फायदा होगा क्या लॉस होगा, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा शट डाउन जॉब में कतर में जाने के लिए कितना खर्चा होता है और एक्चुअली शट डाउन जॉब के लिए आपको कितना रुपया देना चाहिए, तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो हम सबको मिलता रहेगा। बहुत सारे भाई ने बार बार कॉमेंट करते हैं शट डाउन जॉब का रिक्रूटमेंट के बारे में बताने के लिए, शट डाउन जॉब का रिक्रूटमेंट का बहुत सारे पोस्ट करता हो, इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल का कॉमेंट फॉलो करते रहे तो आपको बहुत सारे शट डाउन जॉब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। पहले आप लोगों को बताऊंगा शट डाउन जॉब में आपको फायदा क्या है, उसके बाद आपको लॉस के बारे में बताऊंगा। तो शट डाउन जॉब में फायदा क्या है, शट डाउन जॉब में आपको क्या होता है, शट डाउन जॉब में जो नॉर्मल जो जॉब होता है, जो लॉन्ग टाइम जॉब होता है, उस जॉब में जितना सैलरी मिलता है उससे ज्यादा आप शट डाउन जॉब में सैलरी मिलता है, ओवर टाइम भी ज्यादा होता है, क्योंकि शट डाउन जॉब के लिए वर्कर को इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम है उस कंपनी का, इसलिए शट डाउन जॉब के लिए आदमी लोग को लेके जाते हैं। तो शट डाउन जॉब में आप जा रहे हैं इसका मतलब है उस कंपनी में बहुत काम है, बहुत ही जल्दी उस काम को खत्म करना है, इसलिए शट डाउन जॉब में जाएंगे तो आपको सैलरी भी थोड़ा ज्यादा मिलता है और ओवर टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म जॉब में अगर आप 1200 रियाल बेसिक मिल रहे हैं तो शट डाउन जॉब में जाएंगे तो आपको 2000 रियाल आपको बेसिक मिलेगा। तो शट डाउन जॉब में ज्यादा सैलरी मिलता है और ओवर टाइम भी ज्यादा होता है, ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे सही है, लेकिन फिर भी आप जितना दिन रहेंगे एवरी मंथ आपका अच्छा खासा इनकम होगा। तो ये शट डाउन जॉब का एक फायदा है। और क्या फायदा है शट डाउन जॉब में, तो शट डाउन जॉब में वो भाई के लिए बहुत ही फायदा है क्योंकि जो भाई एक बार भी गल्फ कंट्री में नहीं गया है, कतर में नहीं गया है, शट डाउन जॉब में जाना बेटर है। और शट डाउन जॉब में जाएंगे तो रिटर्नर हो जाएंगे, इंटरव्यू देके ज्यादा सैलरी आप ले सकते हैं गल्फ कंट्री के लिए। अगर आप QVC मेडिकल हो के गांव का मेडिकल अनफिट है तो वो भाई के लिए शट डाउन जॉब बेटर है और शट डाउन जॉब में जाके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। शट डाउन जॉब का यही फायदा है। और शट डाउन जॉब में लॉस क्या है, देखिए शट डाउन जॉब में लॉस है क्योंकि शट डाउन जॉब में जितना दिन बोल के लेके जाते हैं उतना दिन काम हो भी सकते नहीं भी हो सकते। कभी कभी क्या होता है आपको 9 महीना बोल के लेके जाके आपको 4 महीना 3 महीना के आपको 3 महीना में काम खत्म हो जाते हैं और घर भेज देते हैं, इस तरह से भी शट डाउन जॉब में होता है। मान लीजिए आप शट डाउन जॉब में गया है 3 महीने के 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद जैसे घर आएंगे फिर आपको नया जॉब ढूंढना है, तो नया जॉब बार बार आपको ढूंढना पड़ेगा शट डाउन जॉब में जाएंगे तो। अगर आप लॉन्ग टाइम जॉब में जाएंगे तो जॉब आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही बार एक कंपनी में जाएंगे तो ज्यादा दिन रह सकते हैं। ये जो लॉन्ग जॉब का फायदा है और शट डाउन जॉब में आपको बार बार जॉब ढूंढना पड़ेगा। और ये भी बहुत सारे भाई ने पूछा है शट डाउन जॉब के लिए कितना रुपया खर्चा होता है। देखिए शट डाउन जॉब के लिए शट डाउन जॉब का जो कॉस्ट होता है, शट डाउन जॉब में अगर आप कतर में जाएंगे 10,000 रुपया दे सकते हैं। ज्यादा क्या होता है, ज्यादातर शट डाउन जॉब में फ्री वीसा मिलता है, तो फ्री वीसा में जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पे करना पड़े 10 से 20 हज़ार तक दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते उससे ज्यादा देंगे तो आपका लॉस भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को शट डाउन जॉब के बारे में जानकारी मिल गया है और शट डाउन जॉब में जाएंगे तो कितना रुपया खर्चा होता है वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है और शट डाउन जॉब में कितना इनकम हो सकते हैं, क्या शट डाउन जॉब में जाएंगे तो क्या फायदा होगा कि लॉस होगा, वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है। और वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो उन सबको मिलता रहेगा।